नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान सिविल और मैं हूं आपके साथ चोप सिंह सक्सेना और बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। ताजनगरी आगरा की इस वक्त की बड़ी खबर। ताजनगरी आगरा में एसपी कासगंज बन युवती ने उठवाए दो सरफरा कारोबारी। जी हाँ दोस्तों, आगरा के खेरागढ़ में चोरी की ज्वेलरी बेचने की बात कही और मांगने लगी खुद ही पैसे। आपको बता दें कि आगरा पुलिस को एसपी कासगंज बनकर जालसाजों ने गुमराह किया। एक युवती ने पुलिस को फोन कर दो सरफरा कारोबारियों को उठवा लिया। बताया जाता है बाद में भाजपाइयों के हंगामा करने पर पुलिस ने कारोबारियों को छोड़ दिया। फर्जी एसपी बनी युवती ने कारोबारियों से पैसा मांगना भी शुरू कर दिया है। इसकी ऑडियो भी वायरल हो गई है। मंगलवार को डीसीपी ईस्ट के पीआरओ के पास फोन आया। खुद को कासगंज की एसपी अर्पणा रजत कौशिक बताया। पीआरओ की युवती ने कहा कि कासगंज में मार्च में जेवर चोरी हुए थे जो खेरागढ़ में बेचे जा रहे हैं, जल्दी कार्रवाई करने की बात कही। पीआरओ ने इंस्पेक्टर देवकरण को जानकारी दी। खेरागढ़ में ज्वेलर्स की दुकानों के फोटो एक नंबर पर भेजने को कहा। इंस्पेक्टर देवकरण ने फोटो भेज दिए। युवती ने दो दुकानदारों को फोटो भेज कर कहा इन दुकानों पर चोरी की ज्वेलरी बेची जा रही है। पुलिस ने बालाजी ज्वेलर्स के मालिक ललित अग्रवाल और केदारनाथ दामोदर दास ज्वेलर्स के मालिक राहुल वर्मा को थाने लाकर पूछताछ शुरू कर दी। दोनों ही सरफरा कारोबारियों को पुलिस द्वारा ले जाने की बात बाजार में फैल गई और बाजार में अफरा तफरी मच गई। बाजार को बंद कर दिया गया। भाजपाइयों के साथ सभी कारोबारी थाने पर पहुंच गए और थाने पर लाए गए दोनों सरफरा कारोबारी चोरी का माल खरीदने से साफ इनकार करते हुए नजर आ रहे थे। भाजपाइयों और दुकानदारों ने हंगामा किया तो पुलिस ने दोनों को छोड़ दिया। युवती ने कहा वो कासगंज से पुलिस टीम भेज रही है। दोनों की सुपुर्दगी के प्रपत्र खेरागढ़ पुलिस ने युवती के व्हाट्सएप ऐप पर भी भेज दिए। कारोबारियों के थाने के बाहर आते ही युवती के फोन पर कारोबारियों पर आने लगे। पूछने लगी कि बाहर आ गए, अब क्या करना है, घर कितनी देर में पहुंचोगे, क्या व्यवस्था करोगे, कितने पैसे दोगे, मैं एक नंबर दे रही हूं उस पर पैसे भेजो। फिर कहने लगी कि व्हाट्सएप ऐप पर हाय लिखकर भेजो, उसी पर पैसे भेजने। कारोबारियों ने कहा हम पर छोटे वाले मोबाइल हैं। युवती उन्हें धमकाने लगी और जेल भेजने की बात कहने लगी। तो जानिए क्या कुछ कहना है एसीपी खेरागढ़ से इस पूरे मामले को लेकर। आज दिनांक 23 जुलाई 2024 को दिन में करीब 2:30 बजे डीसीपी पूर्वी जोन के पीआरओ से फ़ोन पर एक महिला ने अपने आप को एसपी कासगंज अपर्णा रजत कौशिक बताते हुए कहा कि उन्हें एसएचओ खेरागढ़ से बात करनी है। इस जानकारी पर एसएचओ खेरागढ़ ने उसी नंबर पर कॉल किया। महिला द्वारा पुनः अपने आप को एसपी कासगंज बताया गया। वह कासगंज में एक चोरी का जिक्र करते हुए कहा गया कि एक महिला द्वारा कासगंज में सुनार की दुकान से जेवरात चुरा कर खेरागढ़ में राहुल सन ऑफ दामोदर तथा ललित सन ऑफ भगवान को बेचे गए। जानकारी पर एसएचओ ने दोनों लोगों से पूछताछ की व तस्दीक की क्या ऐसी कोई चोरी का सामान खरीदने की घटना हुई है। तस्दीक में इस बात की पुष्टि नहीं हुई कि चोरी का सामान खरीदा गया है और दोनों व्यक्तियों को घर जाने के लिए कहा गया। इसके कुछ ही देर बाद महिला द्वारा पुनः इन व्यक्तियों को कॉल करके अपना रौब जमाते हुए और अपने आप को एसपी कासगंज बताते हुए 14,000 रुपये अकाउंट में डालने की बात कही। इन दोनों युवकों द्वारा थाने पर आकर जानकारी दी गई जिससे इस स्कैम फ्रॉड का उजागर हुआ। मामले की लिखित तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है व आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। और इसी के साथ जुड़े रहें आप हमारे साथ और देखते रहें हिंदुस्तान सिविल न्यूज़।